ही चली चीन की चाल। BP-15 से पीछे हटी चीनी सेना। चीन ने गलवान से भी पीछे खींचे कदम। कई हफ्ते से भारत को आंख दिखा रहे चीन के तेवर अब ठंडे पड़ने लगे हैं। ड्रैगन ने LSE में जो हिमाकत की थी अब उसे सुधारने में जुट गया है। पहले चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, फिर नीमू में मोदी की हुंकार और बाद में NSA अजीत डोभाल की लंबी बातचीत के बाद चीन दबाव में आता दिख रहा है। उसके विस्तारवादी इरादे अब ठंडे पड़ने लगे हैं। उसने अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। बुधवार को चीनी सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपने कदम पीछे खींच लिए। सेना के सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना PP-15 से पूरे 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। फिलहाल चीनी सेना गलवान घाटी से पीछे हटती दिख रही है। मंगलवार को चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी, जबकि आज बुधवार को चीनी सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को खाली कर दिया। आने वाले दिनों में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A से भी चीनी सेना हट जाएगी। लेकिन भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती पेंग्योंग शो लेक में चीनी सेना को फिंगर 4 से पीछे हटाना है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद चीनी सैनिक 2 किलोमीटर तक पीछे हटे हैं। गलवान नदी के किनारे से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज भी इस बात की तस्दीक करती है। यहां पहले चीन PP-14 से पीछे हटा, अब PP-15 से भी पीछे हट गया है। जो पॉइंट 14 पे झगड़ा हुआ था वहां से वो पीछे चाइनी चले गए हैं और आशा है कि तो सेकंड और थर्ड फेज में बाकी वो अपनी सेनाएं तक भी ले जाएंगे। चाइना जो है अपनी जो 2020 की अप्रैल की पहले की पोजीशन है उसके वापस चला जाएगा। रविवार को दोनों पक्षों के बीच बैठक के बाद बनी सहमति के तहत भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और अपने बीच बफर जोन छोड़ रहे हैं। अच्छी खुशखबरी है बॉर्डर से और भारत के उम्मीदों पर पूरे दुनिया का जो हमारा साथ है उसमें देश की उम्मीदों पर हम सब खड़े उतरे हैं। लेकिन चीन पर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि वो एक कदम पीछे हटाता तो 4 कदम आगे आ जाता है। 1962 में भी वो भारत को धोखा दे चुका है। लिहाजा चीन के पीछे हटने के बावजूद एयरफोर्स LSE पर मुस्तैदी बनाए रखेगी। एयरफोर्स के जंगी जहाज रात में भी गश्त जारी रखेंगे। उधर POK से पाकिस्तान और चीन के लिए बुरी खबर है। यहाँ पर बांध के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।